फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की। दोस्तों, सबसे पहले तो हम उन सब भाग्यशालियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं जिनको हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में शेयर अलॉट हुए हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है, डायरेक्ट लिस्टिंग पर ही 111% का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और वैसे भी ये सबको पहले से ही यकीन था कि आईपीओ दुगुना रिटर्न देगा, क्योंकि आईपीओ 151 times ओवर सब्सक्राइब हुआ था दोस्तों, और साल 2020 का सबसे सफल आईपीओ साबित हुआ। सबके चेहरे पर खुशी ला दी, क्योंकि कंपनी का नाम ही हैप्पीएस्ट माइंड है। आज मैं इस वीडियो में आपको हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी की पूरी जानकारी आपको साझा करूंगा, और साथ में जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए, और जिनको शेयर अभी अलॉट नहीं हुए और वो मार्केट से खरीदना चाहते हैं उन्हें भी अभी खरीद लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिनका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की सर्विस देती है। कंपनी के फाउंडर है अशोक सूठा और कंपनी 2011 में इस्टेब्लिश हुई है। कंपनी का कामकाज यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है और कंपनी को ISO 9001:2015 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और साथ में ISO 27001 का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, जो ये साबित करता है कि कंपनी अपने फील्ड में कितनी प्रोफेशनल है। हैप्पीएस्ट माइंड ने पब्लिक इशू के जरिए 702 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। जून 2020 के क्वार्टर में कंपनी का 97% रिवेन्यू डिजिटल ऑफरिंग से आया है, और 88% उनके प्रोडक्ट एजाइल डिलीवरी मेथोलॉजी से आते हैं। और कंपनी के मुख्य रूप से तीन बिजनेस है जिसमें से उनका मेन रेवेन्यू आता है। वो बिजनेस है दोस्तों, डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस, जिनमें करीब 26%, 53% और 21% रिवेन्यू जून क्वार्टर में प्राप्त हुआ है। कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर अशोक सूठा है, जो कंपनी के प्रमोटर भी है। वो माइंड ट्री के फाउंडिंग चेयरमैन और MD भी है, और साथ में विप्रो के वाइस चेयरमैन भी है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा के धनी है अशोक सूठा। दोस्तों, अशोक सूठा की छत्रछाया में कंपनी बहुत जल्दी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने आईपीओ भी इसीलिए लाया है कि कंपनी के लिए फंड एक साथ में रेज कर सके और उससे कंपनी को और आगे बढ़ाया जा सके, कंपनी के ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, कंपनी के कामकाज और टर्नओवर को भी बढ़ाया जा सके। तो कंपनी ने दोस्तों जो आईपीओ लाया था उसकी जो भरने की तारीख थी वो 7 से लेकर 9 सितंबर रखी गई थी, और प्राइस बैंड 165 से 166 रखा गया था। आईपीओ 151 times ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, और आज आईपीओ खुला है पूरे धमाके के साथ दोस्तों। लिस्टिंग हुई है BSE पर करीब 351 के भाव से ओपन हुआ, और NSE पे करीब 350 पर ओपन हुआ। करीब 111 का मुनाफा एक झटके में ही इन्वेस्टर को मिल गया दोस्तों। फ्रेंड, अभी 2 बजे की ये डिटेल है। आज आईपीओ जो है करीब 350 पर ओपन हुआ, फिर 394.95 का हाई बनाया, और अभी ये 379.40 का ट्रेड कर रहा है दोस्तों। आज अभी तक BSE में करीब दोस्तों 92,88,376 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, और करीब 29,57,419 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 31.84% है, यानी अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है। अब बात करते हैं NSE की, तो NSE में करीब 4,06,44,864 जितने भारी वॉल्यूम में अभी तक ट्रेडिंग हुई, और उसमें से भी करीब दोस्तों 1,75,60,653 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, और अभी ट्रेडिंग शुरू है दोस्तों। वॉल्यूम और बढ़ेगा, साथ में डिलीवरी भी बढ़ेगी। अभी तक NSE में करीब दोस्तों 43.21% की डिलीवरी उठाई जा चुकी है, जो यह साबित करता है कि लोगों का बहुत भारी समर्थन स्टॉक को मिल रहा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी जो IPO में शेयर अलॉट हुए जिनको। दोस्तों, बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है आपको। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना चाहते हो तो आप इस स्टॉक को
बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मेरी राय माने तो आप सिर्फ आधे शेयर ही बेचें, क्योंकि स्टॉक आगे ज़्यादा बुलिश लग रहा है। और अगर आप आधे शेयर अभी बेचोगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट लगा है वो पूरा आपको मिल जाएगा वापस, और जो आधे शेयर बचेंगे वो आगे आपको बहुत ज़्यादा कमा के देंगे। तो दोस्तों आप 50-50 कर सकते हैं, आधे आप इस रेट में अभी बेच सकते हैं और आधे अगर आप रखेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत शानदार प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं उनकी जिनको बाज़ार से स्टॉक को ख़रीदना है क्योंकि उन्हें अलॉट नहीं हुए। तो दोस्तों आप डेफिनेटली स्टॉक को ख़रीद सकते हैं क्योंकि बहुत ही शानदार स्टॉक है, आने वाले समय में स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन मेरा ओपिनियन माने तो आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है उसका आधा ही करें, क्योंकि 2-3 दिन के बाद दोस्तों स्टॉक थोड़ा करेक्शन में आएगा, क्योंकि जिसने भी आज डिलीवरी ली है वो 3 दिन के बाद उसको प्रॉफिट बुक करेगा, तो उससे स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आएगी, तब आप 50% खरीद सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। और दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है और अच्छे आपको प्रॉफिट देगी। और बहुत सारे बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उनकी भी ये राय है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। तो दोस्तों इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।